और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, एक्टर ऋषि कपूर का निधन हो गया है। ये एक बड़ी खबर, एक्टर ऋषि कपूर अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था कल और आईसीयू में उन्हें शिफ्ट किया गया था, जहां उनकी हालत बेहद खराब थी। और ये बेहद दुखद खबर न केवल बॉलीवुड जगत के लिए बल्कि देश के लिए, क्योंकि कल ही एक ऐसे अभिनेता को देश ने खो दिया जिनके काम को लेकर, जिनकी शख्सियत को लेकर हर कोई उनका मुरीद था, और अब एक ऐसे ही बड़ी शख्सियत को आज गवा दिया है देश ने। एक्टर ऋषि कपूर का निधन हो गया है, ये एक बड़ी खबर आ रही है, बेहद दुखद ये खबर। एक्टर ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्हें कल अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। उनके भाई ने यह जानकारी साझा की थी, लेकिन अब जो खबर आई है उसके मुताबिक उनका निधन हो गया। हालांकि वो विदेश से अपने कैंसर का इलाज कराकर वापस लौटे थे, जिसके बाद जब उनका मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ तो उसमें कहा गया था कि वो ठीक हैं। और वो तस्वीर, वो लम्हा आपको याद होगा, जब एयरपोर्ट पर वो अपनी पत्नी नीतू कपूर के साथ आ रहे थे, तो उस वक्त जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सर आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तब उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल फाइन। मेरे सहयोगी अदिति अवस्थी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, बहुत शॉकिंग खबर है ये। बहुत ही शॉकिंग पयोधी, और दिन की शुरुआत एक बेहद दुखद खबर के साथ। बॉलीवुड के सबसे चहेते अभिनेताओं में से एक ऋषि कपूर का निधन हो चुका है, और कैंसर से पिछले दो साल से ऋषि कपूर जूझ रहे थे। एक लंबी बीमारी और उसका एक लंबा इलाज अमेरिका जाकर उन्होंने करवाया, उसके बाद हिंदुस्तान वापसी हुई। उन्होंने काफी बेहतर थे ऋषि कपूर जब वो हिंदुस्तान लौटे, उसके बाद उन्होंने एक फिल्म की शूटिंग शुरू की दिल्ली में। उस फिल्म की उन्होंने जब शूटिंग की, उस वक्त उनकी फिर तबीयत खराब हुई, उनको यहाँ पे एडमिट कराया गया। हालांकि तब भी ऋषि कपूर ने ये जानकारी दी अपने फैंस को कि दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से उनको सूट नहीं किया, इस वजह से उनकी तबीयत खराब हुई थी। वापस मुंबई वापसी हुई, लेकिन पिछले दो दिन से उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी, आईसीयू में वो एडमिट थे। हालांकि उनके भाई रणधीर कपूर ने तब भी ये जानकारी दी हम लोगों को कि उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन फाइट कर रहे हैं। लेकिन आज ये दुखद खबर के साथ दिन की शुरुआत, और दो लगातार दिन बहुत ही खराब बॉलीवुड के लिए, हिंदुस्तान के लिए। अदिति, ये एक बहुत गमजदा करने वाली खबर है, क्योंकि कल जब इरफान खान इस दुनिया को रुखसत कर गए, उसके बाद से ही पूरा देश शोक में था। वो भुला नहीं पाया उस एक्टर के हर एक काम को, उसके तजुर्बे को, उसकी शख्सियत को। लेकिन ऋषि कपूर एक वो एक्टर रहे हैं जिन्होंने अलग लाइन बॉलीवुड को दी है। उन्हें अपने टाइम का चॉकलेटी बॉय बुलाया जाता था। ये एक बहुत बड़ी क्षति ऐसे समय में जब देश एक जंग से लड़ रहा है। बिल्कुल पयोधी, एक बहुत ही खराब साल जो कि मार्च तक आते आते हर किसी के लिए बहुत खराब हो गया। पूरा देश एक महामारी से जूझ रहा है, हर जगह लॉकडाउन है, लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। उस बीच ऋषि कपूर का बीमार होना या इरफान का बीमार होना, अस्पताल जाना और उसके बाद इस तरीके से जिंदगी की जंग को हार जाना, ये बहुत ही ज्यादा दुखद है पयोधी। और इस सदमे से निकलने में बॉलीवुड को और देश को बहुत वक्त लगेगा। और मुझे याद है अदिति, आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि आप लगातार जो एंटरटेनमेंट की खबरें हैं उन्हें आप कवर करती रही हैं, आपका एक लंबा अनुभव भी रहा है, आप हर तरह के एक्टर से मिली हैं, उनके काम को आपने करीब से देखा है। क्योंकि जब ऋषि कपूर विदेश से अपना इलाज करवाकर लौटे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी, और लगा था कि फिर से वो जिंदगी जीने का जज्बा और वो काम पर लौटने का जज्बा उनके बीच, उनके चेहरे पर नजर आ रहा था उस वक्त। बिल्कुल पयोधी, वो एक जो फाइटिंग स्पिरिट है वो उनमें बहुत थी, जैसा इरफान में भी थी। ये वो एक्टर्स रहे जिनको इस बात की जब जानकारी हुई कि उन्हें कैंसर है, और इरफान के केस में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर और ऋषि कपूर के केस में उनका जो कैंसर था, तो दोनों ने जो है इनिशियल शॉक के बाद बहुत अच्छी फाइट पुट की। नीतू कपूर ने एक बार एक इंटरव्यू में ये बात बोली कि जब ऋषि को ये पता चला कि उसको कैंसर है, तो काफी समय तक वो डिनायल में रहे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बहुत जिंदा दिल हूँ और मेरी जिंदगी में बहुत सब अच्छा है। लेकिन उसके बाद जब उनको ये बात का एहसास बैठ गया कि हाँ, उन्हें एक बहुत ही जानलेवा बीमारी हुई है,
उसके बाद उन्होंने बहुत ही शांति से ट्रीटमेंट कराया और ये वक्त जो उन्होंने न्यूयॉर्क में बिताया था नीतू के साथ अपने ट्रीटमेंट के दौरान, वो वक्त भी बीमारी से जूझते हुए भी बहुत अच्छा बीता था। पयोधी, हमारे दर्शकों को भी याद होगा और हम अपने शोज में भी दिखाते रहे कि किस तरीके से ऋषि कपूर न्यूयॉर्क में फाइट तो कर रहे हैं, ट्रीटमेंट तो करा रहे हैं कैंसर का, लेकिन उस दौरान बॉलीवुड का हर एक्टर जो न्यूयॉर्क अमेरिका गया वो उनसे मिलने जाता था, उनके साथ वक्त बिताता था, हर किसी के साथ उनकी तस्वीर आती थी। उनके बेटे रणबीर कपूर बीच बीच में जाके उनसे मिलते थे, रणबीर कपूर के साथ आलिया उनसे मिलने कई बार गई, तो एक बहुत ही फैमिली टाइम ऋषि कपूर ने स्पेंड किया वहां पर अमेरिका में, और लोगों ने, परिवार ने, दोस्तों ने उनका बहुत साथ दिया वहां। तो लेकिन मतलब जितना परिवार और दोस्त साथ दे सकते थे वो दिया उन्होंने। और इसी बीच अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर ये तरह से जानकारी दी कि ऋषि कपूर गॉन, जस्ट पास्ड अवे, आई एम डिस्ट्रॉयड। ये एक लाइन बस अमिताभ बच्चन ने लिखी है। देखिए ना अदिति मेरी सहयोगी क्योंकि लगातार जुड़ी हुई हैं, अमिताभ ने ये जानकारी दी ट्वीट के जरिए, अदिति कि वो कितने अनुभवी हैं, उनके साथ ऋषि कपूर की कितनी फिल्में हैं, दोनों ने की कमाल जोड़ी रही है पर्दे पर। ये जो शायद दुख है अपने साथी के चले जाने का, अमिताभ बच्चन एक लाइन में इन्फॉर्मेशन देते हुए बता भी गए कि आई एम डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल पयोधी, अमिताभ बच्चन के साथ ऋषि कपूर का ना सिर्फ कुछ बेहतरीन फिल्मों का साथ रहा है एक को एक्टर के तौर पर, ना सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री के दो लेजेंड्स के तौर पर साथ रहा है, बल्कि उनका एक पारिवारिक रिश्ता भी है। अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर परिवार से भी जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि अमिताभ बच्चन के लिए ये दिन आज का, और जैसा कि कल भी उन्होंने इरफान खान के गुजर जाने पर ट्वीट कर फैंस के साथ शेयर की थी अपनी भावनाएं और कहा था कि एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार जो बहुत जल्दी चला गया, लेकिन ऋषि कपूर के साथ ये मामला एकदम पारिवारिक हो जाता है, ये मामला बहुत और ज्यादा करीबी का हो जाता है। और हमको ये बात पयोधी याद रखनी पड़ेगी कि बीमारी से निकलने के बाद ऐसा होना और ज्यादा दुखद हो जाता है। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion available on Google Play and App Store. Download it now.